दिल्ली में चुनावी माहौल के साथ शुरू हुई नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। वोटिंग के बाद अब कांग्रेस की झोली में एक भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही। इस बात पर आज अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया और इस दौरान असीम गोयल ने जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। असीम गोयल ने राहुल गांधी को आज मीडिया से बातचीत करते हुए जहां भस्मासुर करार दिया, वहीं असीम गोयल ने यह भी कहा कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा होना मुमकिन नहीं है। असीम गोयल ने कहा कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक वो कांग्रेस को जमीन में गाड़ कर जाएंगे और जब तक राहुल गांधी बैठे हैं तब तक कांग्रेस अपनी भलाई की बात नहीं कर सकती। देखिए, देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत का मन बना चुकी है और कांग्रेस जब तक राहुल मुक्त नहीं होगी कांग्रेस जीरो पे ही रहेगी। राहुल खुद अपने आप में एक बहुत बड़े भस्मासुर हैं और आज तो चाहे पक्ष की कोई सरकार है वो भी ये चाहती है कि भी राहुल गांधी का वर्द हस्त जो है कांग्रेस के ऊपर बना रहे, क्योंकि जितनी देर राहुल गांधी कांग्रेस में टिके रहेंगे ये कांग्रेस को जमीन में उतनी नीचे तक गाड़ के जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी है तो कांग्रेस मुक्त होना मुमकिन है। तो इसलिए जब तक राहुल बाबा बैठे हैं तो कांग्रेस की भलाई की तो बात कर ही नहीं सकते, तो जीरो जो दिखा रहे हैं ठीक ही है। तो कांग्रेस राहुल गांधी ही नहीं, इन दिनों हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बयानबाजी करने वाली प्रियंका गांधी भी विधायक असीम गोयल के निशाने पर रही। विधायक असीम गोयल ने कहा कि गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के आधार पर ही राजनीति में टिका हुआ है, इनके पूर्वज भी नारे देते थे या सिर्फ बयानबाजी ही करते थे। ये कांग्रेसी और मैं कहूँगा मुख्य रूप से गांधी परिवार की ये आदत ही है, शुरू से जब से राजनीति में है केवल बयानबाजी के आधार के ऊपर ही जो है राजनीति में टिके हैं। इनके परबाबा कुछ कहते थे, इनकी दादी इंदिरा जी कहती थी कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाते हटाते गरीबों को ही हटा दिया। तो नारा जो है इन्होंने हमेशा नारेबाजी और बयानबाजी ही की है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अपने उस राजनीतिक दुकान को बचाने की कोशिश में लगे हैं जिसके अंदर सामान ही खत्म हो चुका है, जिसके अंदर कोई नीतियाँ नहीं, नेता नहीं, नीति नहीं और नियत नहीं। इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ये तो एक खाली दुकान को लेकर जिसके अंदर लोगों ने बिल्कुल ताला लगा दिया है उस दुकान का सामान बेचने की, ये फ्लॉप शो है और इस फ्लॉप शो को अब कोई देखना नहीं चाहता।